अगर आपको बहुत सारे लोगों की तरह पेटीएम के फास्टैग का बैलेंस ट्रांसफ़र करना है तो आज की वीडियो कंप्लीट देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में आपका पेटीएम के फास्टैग का बैलेंस ट्रांसफ़र हो सकता है, क्या पेटीएम के फास्टैग का जितना भी आपका बैलेंस है वो दूसरे फास्टैग के अंदर यहाँ पर सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले बताना चाहूँगा, लगभग जब से पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर बैन लगने की बात सामने आई है 15 मार्च के बाद, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं जिनके पास पेटीएम का यहाँ पर फास्टैग है। तो आपके यहाँ पर डाउट क्लियर करते हुए सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पेटीएम के अंदर जो फास्टैग है जो आप ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं, और ट्रांसफर इसलिए करने की सोच रहे हैं क्योंकि 15 मार्च के बाद पेटीएम का फास्टैग यहां पर किसी भी तरीके का उसके अंदर टॉपअप नहीं होगा, किसी भी तरीके का आप बैलेंस लोड नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन यहां पर आपका सबसे बड़ा डाउट क्लियर करते हुए बताना चाहता हूं कि पेटीएम के जितने भी फास्टैग हैं उनके अंदर जितना भी आपका बैलेंस है, मौजूदा बैलेंस जो अभी पड़ा है, वो यहां पर 15 मार्च के बाद भी यूज हो सकता है। 15 मार्च के बाद भी आपका यहां पर टोल प्लाजा पे उसका यानी कि आपका फास्टैग काम करेगा, किसी भी तरीके की आपको पेमेंट करते हुए दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आरबीआई ने जो रोक लगाई है वो 15 मार्च के बाद क्रेडिट और डिपॉजिट पे रोक लगाई है, यानी कि 15 मार्च के बाद आप पेटीएम के फास्टैग के अंदर बैलेंस बैलेंस नहीं लोड कर सकते, टॉपअप नहीं कर सकते, लेकिन जितना मौजूदा बैलेंस है वो यूज़ हो सकता है 15 मार्च के बाद भी, 15 मार्च के बाद भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला डाउट तो क्लियर हो गया, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये लोग बात सोच रहे हैं कि पेटीएम का फास्टैग का जो बैलेंस है वो किसी दूसरे फास्टैग के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहाँ पर बताना चाहूँगा पेटीएम के फास्टैग का बैलेंस आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि पेटीएम के अंदर ये फैसिलिटी है ही नहीं, ना ही किसी दूसरे फास्टैग के अंदर यहां पर ये फैसिलिटी अभी है। आने वाले फ्यूचर में अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी ये फैसिलिटी है ही नहीं। दूसरी चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर आप फास्टैग का बैलेंस ट्रांसफर करने की जगह अगर अपने बैंक अकाउंट के अंदर ही रिफंड लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। जी हां, पेटीएम आपको यहां पर अपॉर्चुनिटी दे रहा है, पेटीएम आपका पूरा फास्टैग का बैलेंस, जो मौजूदा फास्टैग का बैलेंस आपके पास पड़ा है, वो आपका बैंक अकाउंट के अंदर रिफंड हो जाएगा। रिफंड किस तरीके से होगा उसके ऊपर मैंने यहां पर पहले ही वीडियो बना दिया है, फास्टैग किस तरीके से बंद करेंगे और बंद करने के साथ साथ रिफंड किस तरीके से लेंगे, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा और जाके डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके वहां से वो वीडियो देखिएगा, पेटीएम का फास्टैग बंद करिएगा, और फास्टैग बंद करने के साथ साथ ही आपको वहां पर पेटीएम का जितना भी बैलेंस होगा यानी कि फास्टैग का जितना भी बैलेंस होगा वो आपका रिफंड आ जाएगा बैंक के अंदर। तो इस तरीके से आपके डाउट क्लियर हो गए, ट्रांसफर नहीं होता है। दूसरी चीज, यहां पर जितना भी आपका फास्टैग का बैलेंस पड़ा है वो यहां पर काम करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहां पर आपको टिप्स भी देना चाहूंगा एंड में कि अगर आप यहां पर 15 मार्च से पहले पहले पेटीएम का फास्टैग के अंदर बैलेंस डाल लेते हैं, जितना ज़्यादा बैलेंस आप डाल लेंगे वो यहां पर यानी कि जितना बैलेंस डल जाएगा वो वहाँ पर काम करता रहेगा, आप यानी कि जितना भी बैलेंस इसके अंदर डाल लेंगे, लेकिन वो रिस्की है। आप यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं करना चाहते ये काम, तो आप मत करिएगा। मैंने आपको यहाँ पर एक ऑप्शन बता दिया, जो मौजूदा बैलेंस रहेगा वो इस्तेमाल होता रहेगा, तो आपकी मर्ज़ी, आप इसके अंदर और बैलेंस लोड करना चाहते हैं या नहीं चाहते 15 मार्च से पहले पहले। तो इस तरीके से आपको मैंने यहाँ पर डाउट क्लियर कर दिया। अगर मन में कोई सवाल रह गया हो, कहीं मैं चूक गया हूँ कोई बात बताने से, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसके ऊपर आई की वीडियो आ जाएगा डिटेल में, या आपको वहीं पर जवाब मिल जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।